हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल पे। और आज हमारे साथ मौजूद है हमारे एकेडमी का एक प्लेयर जो कि हैदराबाद से आया है। तो सबसे पहले स्वागत है आपका हमसे हमारे एकेडमी के चैनल पे। और सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके नाम से, क्या नाम है आपका? आप कहाँ से आए हो प्रॉपरली? हैदराबाद से। हैदराबाद में कहाँ? चार मीनार। काफी फेमस जगह है, हमने सुना है कि शॉपिंग वगैरह के लिए वहाँ बहुत गर्दी रहती है वगैरह। हाँ सर, सच सुना। तो आप जब हम आएंगे तो हमको प्लीज हमको आपके तरफ से शॉपिंग करने लेके चाहिए। बिल्कुल। देखिए कैमरे में कबूल कर रहे हैं हमारे प्लेयर, तो एक बजट ठहरा लीजिए कि उसमें सर की शॉपिंग करना। ठीक है, जोक सपाट। तो सबसे पहले आपने क्रिकेट कितने साल हुए शुरू हुआ खेलना शुरू किया? मैं फोर इयर्स हो गया सर मेरे को। लेदर बॉल से 4 इयर्स? और उसके पहले टेनिस बॉल? नहीं नहीं, टेनिस बॉल से डायरेक्ट, मैं लेदर बॉल से स्टार्ट। डायरेक्ट? तो उसके पहले गली क्रिकेट वगैरह तो खेलते होंगे? हाँ, वो तो टेनिस बॉल से ही खेलते थे। तो वो कितने साल से खेल रहे? और बचपन से खेल रहे। और 4 साल पहले प्रॉपरली लेदर बॉल से एट द एज ऑफ 18 साल में आपने शुरू किया। ठीक है, और कौन से क्लब में जाते थे पहले? और उसके बाद में? उसके वही एकेडमी में। वही एकेडमी में सर करंटली। जैसे उसके बाद में आप कर्नाटका भी गए थे? हाँ। वो फेमस है क्या? हाँ, बहुत फेमस है सर। बहुत फेमस है। हाँ, तो वहां पे उसके बाद में फिर अचानक हमारी जैसे गरीब एकेडमी में कैसे क्या आ गया? नहीं सर, आपके वीडियोस देख आपका वे ऑफ टीचिंग वगैरह सही लगा। जो मिस्टेक्स आप प्लेयर का बोलते हो वो सही लगा। ओके, इसके वजह से। तो मेरे बारे में सबसे पहले पता कैसे चला? मैं एक फ्रेंड के थ्रू से आया सर। वो भी आपके वीडियोस रेगुलरली फॉलो करते हैं, जो आप वीडियोस डालते हैं यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे पोस्ट वगैरह से देख के फिर एक बार मतलब इधर उधर खेले, एक बार ट्राई करेंगे एकेडमी में सर के पास बोल के। ओके ओके। तो जो पहले के एकेडमी थे, जैसे अपन जो आपका पहला हैदराबाद का एकेडमी है, वहाँ पे क्या लगता है आपको कि इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही थी? इम्प्रूवमेंट हो रही थी सर, बट वही मैं वहाँ पे मतलब खेलने के लिए कम मिलता था सर, एक और मतलब ज्यादा टाइम नहीं दे पाते थे क्रिकेट को। तो इधर देखे तो इधर आपके वीडियोस में भी देखे था, कभी भी हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, फुल टाइम प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। नहीं। कितना चाहे उतना प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके लिए मेन प्रैक्टिस के लिए और आपका टीचिंग के लिए आए थे सर, तो अच्छा है। तो इसके लिए तो वहाँ पे ऐसा दिन भर प्रैक्टिस नहीं कर पाते थे? दिन भर प्रैक्टिस नहीं कर सकते सर। क्यों ऐसा? मतलब उधर का टाइमिंग के हिसाब से प्रैक्टिस करना। जैसे स्पेसिफिकली सुबह अगर नेट सेशन है तो सुबह 6 बजे से 9 बजे तक नेट सेशन होता, उसके बाद जो स्पेशल नॉकिंग वगैरह लेना रहता तो वो 9 बजे के बाद सर के साथ लेना रहता था। वो स्टूडेंट्स दो स्टूडेंट के साथ कर नहीं सकते थे, प्रैक्टिस नहीं कर सकते थे, वो सर के साथ ही करना रहता था। ओके, तो उसके लिए प्रैक्टिस ज्यादा चाहिए और फिटनेस के लिए भी अच्छा ग्राउंड है बोल के इधर आए। ओके ओके, तो वो ग्राउंड छोटा था क्या अपने ग्राउंड से? हाँ, ग्राउंड छोटा था। ओके, अपना ग्राउंड भी गाइस छोटा ही है, ज्यादा बड़ा ग्राउंड नहीं है, तो कंफ्यूजन मत रखिए। अपना ग्राउंड 2 एकड़ का ही है। बड़े लड़कों की मैच नहीं हो सकती है, मैच होती है तो भी नीचे से खेलना पड़ता है, तो ऐसा छोटा है। आयत में मतलब रेक्टेंगल शेप है, तो सामने 6 सीटिंग कर सकते हैं, वो 100 मीटर है। तो ये तरीके से ध्यान में रखिए जो भी आने का सोच रहे। तो वहां का ग्राउंड तो उससे भी छोटा था, प्रैक्टिस एरिया, राइट? प्रैक्टिस एरिया। और नेट्स कितने थे वहां पे? वहां पे थे सर नेट्स 8-10 नेट्स थे। 10 नेट्स, 8-10 सीमेंट विकेट। सीमेंट विकेट 3 थे, बाकी सब 2 एस्ट्रो 2 सीमेंट और 6 टफ विकेट। ओके, तो अपने अपने एकेडमी में गाइस टोटल 4 सीमेंट विकेट है और 7 टफ विकेट है। ठीक है, इसके अलावा जो कर्नाटका में गए तो वहां पे क्या क्या अच्छा चीज महसूस हुआ? वहाँ सब बढ़िया है सर, वहाँ पे उनका ओन जिम है, ओन फिटनेस कोच है, मतलब जो स्पेशली जैसा कि इंटरनेशनल और रणजी टीम्स रहते हैं वैसा टीम में है। उधर सब जिम और फिटनेस ग्राउंड भी बड़ा है, मतलब बीसीसीआई मेंटेनेंस ग्राउंड है वो, बड़ा ग्राउंड है, मैच वाइज बड़ा ग्राउंड है। और उधर का कोचिंग भी थोड़ा डिफरेंट लेवल है, मतलब हाई क्वालिटी ऑफ टीचिंग है।
और टर्फ हाई तो क्वालिटी को थोड़ा स्पेसिफाई करेंगे कि कैसे हाई कैसे, क्वालिटी। मतलब जैसा आप वीडियो एनालिसिस करते हो हाँ वहाँ पे भी वैसे ही करते हैं सर, मतलब सेम एज यू डू, ओके सेम वही है। तो बेसिकली हम आप कहना चाहते हैं हमारा भी हाई लेवल है। हाई लेवल आपका टीचिंग हाई लेवल ही है सर ऑब्वियसली। आप जो टाइम देते हैं स्टूडेंट्स का वीकली, जो वीडियो एनालिसिस करवाते हैं वीकली वीकली, वो वहाँ पे भी सेम वैसे करवाते हैं सर। ओके पर वहाँ क्या है, मतलब एक कोच नहीं रहते, डेली चेंज होते रहते हैं कोचेस। तो मतलब जैसे कोई लड़का आप पे ध्यान दे रहा है, हाँ कोई जो भी कोच है आप पे ध्यान दे रहा है, तो वो चेंज होते रहते हैं। हाँ चेंज होते रहते हैं। तो फिर उसको एक प्लेयर की प्रोग्रेसिव कैसे पता, प्रोग्रेशन हाँ कैसे पता चलता है? वही वही वहाँ पे एक मेरे को लगा कि वो ये तो कंफ्यूजिंग है, ये पहली बार सुना है मैंने इतने मेरे सालों के हाँ, इसमें करियर में कि कोच चेंज होते रहता है। कि जैसे मैं अगर ध्यान दे रहा हूँ आप पे, तो मुझे पता है कि हाँ यार ये पहले लड़का ऐसा था, इस पे ये चीज की है कि अब इसको ये आगे बढ़ाना है, हाँ, और कंटिन्यूअसली हर दिन चेंज होगा। हाँ, हर दिन तो प्रॉब्लमेटिक ही है, थोड़ा प्रॉब्लम है वो। मैं को भी वैसे लगा सर, हाँ हाँ मतलब प्रोग्रेस में थोड़ा। तो ये ऐसा आपने पूछने की कोशिश नहीं की क्या ऐसा क्यों है वहां पे? मैं पूछा सर, पूछे तो सर बोले ये हमारा रूल है, तो ओके कुछ मैंने ज्यादा बोला नहीं सर। ओके ये रूल है तो ठीक है। एनीवे तो लिमिटेशंस क्या, और क्या लिमिटेशंस लगे वहाँ पे? वहाँ पे वही सर जो भी है, जितना मतलब बेंगलोर तो सबको मालूम ही होगा सर, हाई लेवल मेंटेनेंस हाई रहता है उनका। दो जितना अमाउंट दिए, जितनी देर के अमाउंट दिए उतनी देर ही जा, जैसे 2 घंटे की कोचिंग की फीस, तो वो क्या फीस थी? वही सर मंथली नेट सेशन की फीस थी 2000-4000 पर मंथ। हाँ। और वो जो स्पेशल नॉकिंग करे थे पर डे 1500 कुछ, पर डे 1500 वन आवर की 1500 पर डे सर। और वो टफ विकेट पे या सीमेंट विकेट पे? वो अंदर मतलब कोच के ऊपर डिपेंड करता है वो, अगर वो सीमेंट विकेट देना चाहते हो सीमेंट या टफ या इंडोर। इंडोर फैसिलिटी भी बढ़िया है सर वहाँ पे। ओके इंडोर भी बहुत बड़ा है उनका, कर सकते हैं। ओके तो बेसिकली आप बोल रहे हैं कि अगर समझ लो अपनी एकेडमी है, मैं हमारे एकेडमी की फीस 3500 रुपये महीना है, ठीक है। तो अब मैं पर्सनल प्रैक्टिस के लड़के आए, अब अपना क्लब आवर्स रहता है सवेरे 2 घंटे 3 घंटे, शाम को 2-3 घंटे जो भी रहता है, उसके अलावा अगर आपको आना है तो मुझे एक्स्ट्रा चार्ज करना है आपसे। वहां वैसा होता था? हाँ, वहां ऐसा होता था। यहाँ पे ऐसा नहीं होता है गाइस, अपने एकेडमी में आप दिन भर आके प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। सिर्फ इथिक्स मेंटेन कीजिए, वर्क इथिक्स और एक अच्छा हेल्दी कल्चर मेंटेन करिए, यही उम्मीद करते हैं अपन कि आपस में झगड़े नहीं कीजिए। क्योंकि क्या होता है कि बहुत बार ज्यादा प्लेयर्स होने की वजह से वो आपस में झगड़े होते हैं, और उसमें कहीं ना कहीं कॉन्ट्रोवर्सी होती है, और झगड़ा अगर थोड़ा बड़ा हो गया तो कोच पे पूरा कल्चर खराब होता है, नुकसान जो आता है, पेरेंट्स जो कोच को चिल्लाते हैं या तो वहाँ के मैनेजमेंट को चिल्लाते हैं। तो ये अपन ध्यान में रखते हुए प्लेयर को परमिशन देते हैं, पूरे दिन प्रैक्टिस कर सकते हैं तुम, सिर्फ किसी का बुरा नहीं होना चाहिए। इधर यही प्लस पॉइंट है कि जो दिन भर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं आराम से। यहाँ पे सर भी और मतलब फिजियो मैडम भी रहते हैं इंजरीज हुए तो देखने के लिए, और कोच भी है बढ़िया, मतलब बोलते हर चीज, हर मिस्टेक आपका जो जा रहा है, इवन सिंगल बेसिक मिस्टेक भी यहाँ पे वो प्लेयर बढ़िया, मतलब सर का टीचिंग क्वालिटी बढ़िया है। ओके तो वहाँ पे फिटनेस कोच अलग था क्या? हाँ फिटनेस कोच अलग, जो कर्नाटका में, हैदराबाद में, हैदराबाद में नहीं थे। कर्नाटका में क्या था स्पेसिफिकली? वो जिम जो ट्रेनर रहते ना, हाँ, वो सेपरेट है, सबका सेपरेट है। जैसे फिटनेस ट्रेनिंग आपको वो 4000 में इंक्लूडेड था क्या? नहीं नहीं सर, वो उनका अलग पे करना था। राइट तो वही उनका बेड, मतलब फूड बेड, जिम प्रैक्टिस फिटनेस सब प्रोवाइड। राइट तो अपना भी वैसा ही है गाइस, कि ये जो 3500 रुपए में क्लब फीस है, फिजियोथेरेपिस्ट, अभी जो मेरी वाइफ है फिजियोथेरेपिस्ट है, वो तो रहती है ग्राउंड पे, तो वो उसके हम एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लेते हैं। पर कुछ भी जैसे सपोज इसको इंजुरी हुई है कुछ, अब तो इंजुरी अगर आपको ट्रीटमेंट लेना है, मतलब कंसल्टेशन तो ग्राउंड पे हो जाती है, नॉर्मल तो बता ही देते हैं, पर कुछ अगर स्पेसिफिकली रिलीज विलीज करना है तो वहाँ ग्राउंड पे करते, तो उसकी फीस नहीं लेते, पर अगर ट्रीटमेंट करना है तो उसकी फीस है। वैसे ही एसएनसी कोच है तो फिटनेस अगर ट्रेनिंग करना है तो आपको अलग से जाके, जो उसके चार्जेस अलग है, उसके पूरे जो चार्ट बनाना है, फिटनेस चार्ट बनाना है, या आपको पर्सनल ट्रेनर चाहिए
तो उसके अलग चार्जेस है, तो वो तरीके से भी अपन वर्क करते हैं, स्पेसिफिकली प्रोवाइड करते हैं। एकेडमी में नहीं है जिम अपना, एकेडमी से दूर है अपना, पर्सनल जिम नहीं है, एकेडमी का जिम नहीं है, अपन ने टाई अप किया है जिम से। और ऐसे ही हर चीज़ का स्पेसिफिकेशन है कि जो रिस्पेक्टिव प्रोफेशनल से टाई अप किया है, एक विजुअलाइजेशन चार्ट है जो कि इन तरफ नहीं पहुंचा है, वो विजुअलाइजेशन चार्ट भी अपन बना देते हैं। और विजुअलाइजेशन चार्ट का ऐसा है गाइस कि मेंटली उसके लिए बहुत रेडी रहना चाहिए कि वो तुम कर सकते हो, क्योंकि वो टफ है। तो काफी आप लोगों को मैं जो बेसिक योगा वगैरह मेडिटेशन वगैरह वो बहुत बेसिक है, आप वो नेक्स्ट स्टेज तक पहुंचने के हो जहाँ पे मैं आपको मेंटली और नेक्स्ट लेवल पे पहुंचा। उसकी फीस भी लगेंगी पर फीस के साथ कमिटमेंट बहुत हाई लेवल का रहेगा। जिम करने के लिए इतना हाई लेवल का कमिटमेंट नहीं लगता है जितना वो विजुअलाइजेशन ट्रेनिंग चार्ट जो है ना वो करने के लिए लगता है, पर उसके फायदे भी है, मेंटली बहुत आगे जाके आपको महसूस होंगे। तो ठीक है, तो यहाँ से अपन वहां गए, पहले हैदराबाद की एकेडमी गए, फिर कर्नाटका की गए, और अब आपको लगता है कि यहाँ पे अपने को क्या फायदे और नुकसान कंपेयर कीजिए कि हायर लेवल से, कि अपने को यहाँ पे क्या फायदे लग रहे हैं और क्या नुकसान है। ऑनेस्टली बताइए कि अपने लिमिटेशंस क्या क्या है, मेरे जो भी यहाँ पे ग्राउंड है, एकेडमी है, तो उसमें अपन आगे चल के जो भी अपने हाथ में रहेगा धीरे धीरे तो अपन कोशिश कर ही रहे हैं इम्प्रूवमेंट करने की, आपको क्या क्या लगता है? मतलब बोला ना सर, यहाँ पे प्रैक्टिस का तो बहुत ये है, उसमें कुछ मतलब ऑब्जेक्शन नहीं है कितनी भी देर से। और दूसरा ये और एक कि चीज, सॉरी इंटरप्ट करना चाहूंगा, अपन लिमिटेड स्टूडेंट्स रहते हैं, हाँ क्यों? क्योंकि अपन एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लेना चाहते। हाँ लिमिटेड लिमिटेड स्टूडेंट्स लेते हैं, और जो विकेट्स अपन प्रोवाइड किए तो उन ज्यादा मतलब लड़के प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर वही मैं क्या करता था कि अगर सिर्फ दो ही विकेट बनाता था और लड़के ले लेता था 50-100 तो प्रॉब्लम होती थी। हाँ अभी अपन ने विकेट्स बढ़ा दिए और लड़के लिमिटेड लिए, और अपन हमेशा वही करने वाले, जो साइड से जगह बची है ना वहां पे अपन बॉक्स नेट्स बनाने वाले। अगर अपने लड़कों की क्वांटिटी बढ़ी और कोचिंग स्टाफ बढ़ते रहा तो अपन वहां से कॉर्नर में जो जो कॉर्नर में सीमेंट विकेट बनाएंगे, जो स्किल डेवलपमेंट के हिसाब से, तो बढ़ाते रहेंगे ताकि लड़कों की प्रैक्टिस सफर ना हो। ठीक है, आप कंटिन्यू कीजिए। प्लस तो है, माइनस है कि मतलब एकेडमी ज़्यादा मैचेस प्रोवाइड नहीं कर सक रही है, वो एक लगा मेरे को, बस वो एक ही माइनस पॉइंट है। सर बाकी तो सब बढ़िया है, प्लस पॉइंट टीचिंग क्वालिटी, मतलब यहाँ के स्टूडेंट्स भी बहुत फ्रेंडली है। मतलब आपको कुछ बैटिंग में या बॉलिंग में कुछ डाउट है तो वो भी, मतलब उनको जो लग रहा है आपके बॉलिंग में बैटिंग में छोटा मिस्टेक वो भी आपको बता देंगे सब। अच्छा, बस एक मैचेस का वो है। मैचेस का उसका सॉल्यूशन अपन फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। मैचेस का मैंने भी ऑब्जर्व किया कि थोड़ा मतलब कम दे पा रहे हैं, हाँ पर जो लड़के डिजर्विंग है, जैसे अपन ने 2-3 टूर्नामेंट में अब भी लड़के को लेके गए, अब भी रोहिदास राजेश वगैरह उनको लेके गए 2020, अपने एकेडमी के दो दो टूर्नामेंट में एंट्री किए, तो वैसे अपन धीरे 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 मैचेस की संख्या बढ़ाते जा रहे हैं। जो भी डिजर्विंग स्टूडेंट है, बेसिकली इस बारे में मेरा एक मत है कि अगर आपकी नेट्स में बैटिंग बेसिक नहीं हो रही, अच्छी बेसिक अच्छी नहीं हो रही, तो आप मैचेस डिजर्व नहीं करते, जो मुझे फील हो रहा है। बेसिकली आप देखिए, आप ऑनेस्टी से बोलिए कि अपने अपने एकेडमी में अगर आउट टू नेक्स्ट रखा नेट्स में तो कितने जन सर्वाइव कर पा रहे हैं? अपन ने जो भी प्रैक्टिस मैचेस लिए जहाँ नीचे से खेलना था वहां पे कितने जन सर्वाइव कर पा रहे? कम नहीं सर्वाइव कर तो एक पाए। लिमिटेशंस, अगर क्वालिटी बढ़ी तो उनको मैचेस तो देने के लिए मैं एडीवन के मैचेस जमा देता हूँ, बीडीवन के मैचेस जमा दे रहा हूँ, अच्छे क्वालिटी मैचेस जमा दे रहा हूँ। अभी जो टूर्नामेंट गए थे वो एडीवन का टूर्नामेंट था, वहां पे टूर्नामेंट थे तो रणजी ट्रॉफी प्लेयर्स थे, आईपीएल प्लेयर्स थे, तो वो लेके गया था, पर वो उनका परफॉर्मेंस बहुत खराब है। वो परफॉर्मेंस अगर बेटर होगा, अगर बेटर कैसे होगा, सबसे पहले तो जैसे एक प्लेयर डेवलप कैसे होता है, सबसे पहले तो अंडर आर्म प्रैक्टिस कर रहा है, अंडर आर्म में तेरा सही लग रहा है ड्राइव, या डिफेंस सही हो रहा है, या पुल सही हो रहा है, जो भी है। पहले स्टैटिक बॉल रहता है, जिसको अंडर आर्म भी नहीं जमता उसको स्टैटिक स्टेशनरी बॉल ड्रिल्स पता है, जो अपन कोन में रख के करते हैं, वो स्टेशनरी बॉल ड्रिल्स है, एकदम जगह पे खड़े रह के वो सही नहीं हो रहा है,
तो फिर नेक्स्ट स्टेप पे नहीं बढ़ सकते, वो सही हो रहा है, फिर नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट स्टेप पे अंडर आर्म सही हो रहा है, फिर ओवर आर्म सही हो रहा है, नॉर्मल थ्रो डाउन्स, फिर बॉलिंग जो नेट्स में खेल रहे हैं वो सही हो रहा है बैट्समैन के तौर पे। तो ये चीजें अगर सही होते जा रही है तो उनको मैचेस भी मिलेंगे। मैं श्योर हूं कि मेरे इतने कॉन्टेक्ट है कि मैं उनको बहुत क्वालिटी मैचेस जमा सकता हूं, पर वो लड़कों ने उतना डिजर्विंग बनना जरूरी है। अब भी अगर अपन मैचेस जमा देंगे, एक बहुत लोगों को ये गलत फहमी रहती है यंगस्टर्स को कि जल्दी मैचेस मिल गए ना, मैचेस मिल रहे तो स्किल नहीं इंप्रूव होता मैचेस में। मैचेस में कभी स्किल नहीं इंप्रूव होता है, मैचेस में तुम्हारा जो प्रैक्टिस किया है, प्रिपरेशन किया है, वही झलक के दिखेगा, जादू नहीं हो जाएंगे मैच में। तो प्रिपरेशन अगर सही तरीके से कर रहे, सपोज अब मैं फॉर इंस्टेंस बोलना चाहूंगा कि अब नया बॉल है, अब बॉलर के तौर पे कोई बॉलर जो भी बॉल पुराना दिया समझ लो, तो वो पुराना बॉल ही टप्पे पे नहीं डाल पा रहा, ठीक है, उसका बॉल कभी राइट साइड का वाइड जा रहा है, लेफ्ट साइड का वाइड जा रहा है, तो उसको अपन नया बॉल देंगे क्या? नहीं नहीं देंगे ना। तो वैसे ही मैचेस का भी है कि जैसे अभी 2020 के लिए आपका थोड़ा बैक पेन था, ठीक है, 2020 के लिए आपका अगर मेरे को थोड़ा पोटेंशियल लगा रहता तो वो मैचेस में मैंने और एक आपको भी बुलाया रहता, राजेश को बुलाया, आपको बुलाया रहता, लगता नहीं कि आपको कि ये, तो फिर मैचेस मिलते थे। आपका इंजुरी का भी था पेन, मैंने मैडम से बात किया था कि पेन हो रहा है, तो वो पेन को भी ध्यान में रखना जरूरी है कि आपको उतना रिकवरी टाइम भी मिलना चाहिए। एक बार रिहैब हो गया, महीने 2 महीने में स्ट्रेंथ डेवलप हो गई, तो फिर आप ज्यादा मैचेस खेल सकते हो। तो ये सारी चीजें एक कोच के तौर पे या एक मैनेजमेंट के तौर पे, मैनेजमेंट जो कर रहा है वो इंसान को ध्यान में रखनी पड़ती है प्लेयर की। अब बहुत बार प्लेयर ये समझ नहीं पाता है, प्लेयर का क्या रहता है कि मैचेस अट्रैक्शन, एक अट्रैक्शन है जिससे अपन रेसिस्ट नहीं कर सकते बहुत बार। पर आपने अगर देखा होगा बहुत सारे प्लेयर्स, उनको पता है अपना बॉडी या अपनी टेक जो, उसकी वजह से रेस्ट लेते हैं कि अपने को ये ऑफ सीजन में वर्क करना है, ऑफ सीजन नहीं मिल रहा तो वो ऑफ सीजन क्रिएट करते कि 4 महीने का मेरे को पूरा कंप्लीट रेस्ट लेना है, मेरे को वर्क करना है, और फिर जब खेलूंगा तब ऐसे खेलना है कि जहां पे मैं एकदम डोमिनेटिंग परफॉर्म कर सकूं। अपने को सिर्फ पार्ट लेने के लिए पार्ट नहीं लेना ना, अपन प्रिपेयर है क्या? हाँ, ये प्रिपरेशन अच्छा है, और फिर मैच मिल एग्जीक्यूशन नहीं हो रहा है तो फिर उसके बीच में माइंडसेट आता है कि अगर तुझे पता है कि तू तू तेज बॉल खेल रहा है, स्लो स्पिनर को खेल रहा है, सब कर रहा है बराबर नेट्स में, और मैच में कन्वर्ट नहीं कर रहा है, तो बेसिकली फिर माइंडसेट आया कि मैच में स्कोरबोर्ड प्रेशर होगा या मैच सिचुएशन ऐसी होंगी कि समझ लो तेरे को 5 में 50 बनने और तब छक्का मारना है। तो नॉर्मल में छक्का मार पा रहा है पर तब छक्का मारना है, इट्स अ डिफरेंट टास्क, इट्स अ माइंडसेट थिंग कि आपको पता है, अब आपको पता है कि आपके शॉट्स के रेंज भरपूर है, पर मैच में वो एग्जीक्यूट करने के लिए यू हैव टू पिक राइट बॉल फॉर दैट, राइट, और राइट सिचुएशन फॉर दैट, कि वो सिचुएशन में वो शॉट मैं ट्राई कर रहा हूं, तो वो माइंडसेट का रोल है। पर बेसिक ही अगर आपको नॉर्मल में ही नहीं जम रहा है, जो कि अब भी नए लड़के हैं और जो मैं फेस कर रहा हूं कि इनको ट्रेन करना, तो उनको मैचेस देना, मुझे नहीं लगता है कि अभी दिए मैंने मैचेस, उनको बहुत मैचेस दिए और जो भी रिजल्ट्स आए वो सबके सामने है, रिजल्ट्स वन साइडेड अपन हारे, वन साइडेड हारे, अपने एकेडमी की टीम वन साइडेड हारी है, तो फिर उसमें उसमें एक समझदारी ये है कि उनको टाइम है, मुझे भी पेशेंस रखना पड़ेगा, एकेडमी के प्लेयर्स को भी पेशेंस रखना पड़ेगा कि टाइम है उनको, जब उनका सही समय आएगा उनको डेफिनेटली मैचेस भी मिलेंगे, बहुत अच्छे क्वालिटी मैचेस भी मिलेंगे, और ट्रायल्स वगैरह सिलेक्शन ट्रायल्स भी बहुत लड़कों को अपन ने सिलेक्शन ट्रायल्स भी जमा दिए है, उन्होंने उन्होंने उसके बाद उसमें परफॉर्म नहीं किया है, तो अपन नहीं चाहते कि वहां जाके वो बस बस जाने के लिए जाए वहां पे, नाम वहां जाने के बाद वो वहां पे डिजर्विंग रहे, ये अपन अपना कोशिश है। तो ये मैचेस का और क्या लिमिटेशंस फेस कर रहे हैं आप एकेडमी में? हाँ, लिमिटेशंस तो कुछ नहीं है सर एकेडमी में ऐसा, बाकी सब अच्छा ही है, लोग खेलने के लिए, प्रैक्टिस के लिए, जो फिटनेस के लिए, जो खुद से भी फिटनेस कर सकते हैं वो भी, उसके लिए भी कुछ लिमिटेशंस नहीं कर सकते अपन, बाकी सब बढ़िया है सर। फिटनेस वाइज क्या लग रहा है आपको? फिटनेस वाइज बढ़िया है सर, जो मैडम वो चार्ट देते हैं डेली का, जो रूटीन बोलते हैं ना वो करने के लिए, वो भी बढ़िया है सर। तो अभी जैसे आपका फिटनेस वाइज लगता है कि कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है पहले के मुकाबले? हाँ जी सर, बिल्कुल, ऑनेस्टली बोलिए, ऑनेस्टली सर, क्या लगता है? मैं पहले मतलब उतना
उतना उधर प्रैक्टिस फिटनेस वगैरह नहीं कर रहा था इधर आने के बाद। वो आलस करते थे क्या? हाँ सर थोड़ा बहुत आलस तो करता हूँ तो बाकी उसके बाद जो अगर मैडम आने के बाद ज़्यादा केयर ले रहे हूँ तो उसके बाद थोड़ा इम्प्रूवमेंट तो लगा सर। आप मैडम से भी पूछ सकते हैं। ओके तो मोबिलिटी वगैरह इंप्रूव है? हाँ जी मोबिलिटी मेरा बैक पेन के लिए जो मैडम ने मोबिलिटी दिया था वो कंटिन्यूसली रेगुलरली करने की वजह से थोड़ा हील हुआ। रिहैब अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है थोड़ा बैक। ओके मतलब मैडम भी बोले थे कि थोड़े दिन कीपिंग से थोड़ा रेस्ट लो बोल के बोले थे। तो और कुछ कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों के लिए? कुछ भी सारी चीजें कवर हो चुकी है जी? बिल्कुल कवर हो चुकी है। तो हाँ एक चीज मैडम मुझे बता रही थी रिकवरी के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है स्लीप। आपको स्लीप में तकलीफ हो रही थी यहाँ पे? हाँ जी। तो ये बेसिकली हमारे हमारा क्रिकेट का हॉस्टल है जो कि बहुत पुअर क्वालिटी का है, मतलब ज्यादा अच्छा नहीं है एक्चुअली। हम कोशिश कर रहे हैं उसको डेवलप करने की, पर वो पुराना घर है हमारा, मेरा पुराना घर है, उसको हमने हॉस्टल में कन्वर्ट किया है फिलहाल के लिए। अभी जो बेसिक फैसिलिटी दे सकते वो है, और उनको ये पसंद नहीं आया था हॉस्टल, और मैं समझ सकता हूँ। मैं भी मतलब थोड़ा सा खराब है, थोड़ा सा लो क्वालिटी का है, बेसिकली खराब नहीं बोल सकते, लो क्वालिटी का है। तो वो दूसरे जगह रूम करके रह रहे थे और उनको कंटिन्यूसली जो फेस कर रहे थे कि नींद की तकलीफ हो रही थी। जी बिल्कुल, वो लैक ऑफ स्लीप हो गया था मेरा, मतलब स्लीपिंग साइकिल जो बिगड़ गया था, नींद नहीं। क्यों ऐसा इतना थकने के बाद नींद नहीं आ रही आपको? मतलब वो जो वहाँ पे मैं सोता था बेड पे सर, यहाँ पे नीचे सोने की वजह से नींद नहीं हो रही थी प्रॉपरली, और यहाँ पे एक फुट का भी जो प्रॉब्लम है फेस करना पड़ा। फुट मतलब फूड खाना, फूड अच्छा खाना। फूड का भी मतलब खाना का भी थोड़ा प्रॉब्लम फेस करना पड़ा है यहाँ का। तो हैदराबाद की बिरयानी नहीं मिल रही है यहाँ पे? बिरयानी हैदराबाद में बिरयानी फेमस है ना, तो यहाँ पे कैसा बिरयानी नहीं मिल रही क्या? क्यों तो क्या उसके सॉल्यूशंस क्या रह सकते हैं? हम पे सॉल्यूशन एक तो बोल सकता हूँ मैं, खुद से पका के खाना एक बेस्ट चॉइस है। एक और तो मतलब जो भी आप डाइट मेंटेन करते रेगुलर, यहाँ पे आने के बाद भी नहीं, वहाँ पे आपके वहाँ पे क्रिकेट खेलते समय जो फूड में मतलब डाइट मेंटेन करते वो कंटिन्यू मतलब वो कर सकते हैं। पर यहाँ का मैं एक चॉइस देता हूँ, यहाँ का फूड मेस लगाना है वो मतलब वो मत करो बोल रहा हूँ सर। नहीं तो वो जो मेस लगाया आपने 3000 रुपए वाले लगाए थे ना? नहीं सर मैं 2500 का लगाया था। तो वो जहाँ पे दूसरे कौन लगाए हुआ है आपके साथ में? मेरे साथ में एक प्रसिद्ध लगा, रोहित दास भी लगा। तो एक मेस है वो 5000-10000 रुपए महीना है। अच्छा, तो जो फाइनेंशियली अगर अफोर्ड कर सकते तो वहाँ का खाना ज्यादा बेटर मुझे ऐसा लगता है कि फाइनेंशियली, क्योंकि आप एक तरह से सोचे कि खाना आप घर पे खाएंगे तो आप 2500 जैसे पर पर्सन 2500 बजट नहीं रहता है, आपको उससे ज्यादा ही महंगा खाना मिलता है क्योंकि क्वालिटी जो यूज करते हैं, और अपन फाइनेंशियल के वजह से वो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पीछे छूट जाते हैं कि क्योंकि ऑफकोर्स और बाहर स्ट्रगल, ये जो भी बाहर जो आते हैं लड़के बाहर ये स्ट्रगल करना ही पड़ता है कि खाने रिगार्डिंग या रहने रिगार्डिंग। मुझे पता नहीं इनको नींद क्यों नहीं आ रही, क्योंकि नींद तो इतना थकने के बाद आ जाती है, पर ठीक है अगर नहीं आ रही है तो मैं ये बोलूंगा कि आप उस पर वर्क कीजिए कंटिन्यूसली, क्योंकि आप जितना ज्यादा लंबा करियर रहेगा आपको डिफरेंट डिफरेंट कल्चर में रहना पड़ेगा, डिफरेंट कल्चर में खाना खाना पड़ेगा, डिफरेंट कल्चर में सोना पड़ेगा। मैं पर्सनल एग्जांपल देना चाहूंगा मेरा कि मैं कोलकाता गया था महीने भर के टूर के लिए, और कोलकाता से थोड़ा आउटसाइड था वो जहाँ पे हमारा स्टे था, वहां पे सिर्फ मैदे की रोटी मिल रही थी, मैदे की, और चावल एकदम पता नहीं क्या था, इतना ब्लोटेड फील होता था। और रेनी सीजन बारिश शुरू थी कंटिन्यूसली, हमारे मैचेस पोस्टपोन हो रहे थे, एंड बहुत खराब खाने का ये था। और वो मैचेस बहुत अच्छे क्वालिटी के थे, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि मैचेस बहुत अच्छे क्वालिटी के थे, मैं स्पेसिफाई नहीं करना चाहूंगा, पर्सनली मैं आपको स्पेसिफाई करूंगा। और वहां पे 3 लड़कों को लेके गया था मैं, मेरे साथ में जो जमा के लेके गया था उनको, और वहां पे वो जो सोने की जगह पे जहाँ हमारा गेस्ट हाउस था जहाँ पे हमको ठहराए थे, वहां पे बाहर ऐसा पानी भर जाता था। तो बेसिकली ये सिचुएशन है, हैदराबाद में ही मैं आया था,
मैं हैदराबाद में आया था मैचेस के लिए, एक लड़की के साथ आया था, और हमको हमारी तब फाइनेंशियली इतनी परिस्थिति नहीं थी, तो हमको हमने सर को बोला सर कहीं तो भी रुकने का कर दीजिए, पैसे नहीं है वगैरह, तो सर ने हमको वो जो किडबैक का रूम है ना उसमें रुकाया था, और उसमें रुकाया था और जैसे पेपर बिछा के हम सोए थे, और आपको पता है किडबैक का रूम बहुत गंदा रहता है, बहुत धूल मिट्टी वगैरह रहती है, और इतने मच्छर खा रहे थे। रात को मैं 1 बजे के आसपास कछुआ अगरबत्ती, जो कछुआ अगरबत्ती है ना, वो देखने मेडिकल गया था कि कहीं मिल जाए तो मैं लाऊं। और जो मेरे साथ वाला लड़का था, 2 जन थे हम, और मेरे साथ वाला लड़का था, उसको अगले दिन बुखार आ गया, मेरे को नहीं आया लकीली, और मैं अगले दिन की मैच खेल पाया और वो मैच नहीं खेल पाया बुखार की वजह से। तो गाइस ये सिचुएशन को आप चैलेंज के तौर पे लेना जरूरी है, ये जो भी आप फेस कर रहे हैं, क्योंकि ये चीज अगर आपको करियर लंबा बनाना है, क्रिकेट में करियर बनाना है, तो मैं कम से कम 17 स्टेट इंडिया में मैच खेल चुका हूँ, तो ये चीज रेगुलर में फेस करनी पड़ेंगी आप खाने रिगार्डिंग, क्योंकि हर जगह पे कुछ ना कुछ तकलीफ होगी। कभी कभी ये तो ठीक है कि पैसे, कभी कभी आपके पास पैसे होने के बावजूद ऑप्शंस नहीं होंगे। हाँ सर, कोलकाता में वहां पे हमारे पास ऐसा नहीं था कि हमारे पास पैसे नहीं थे, पैसे थे पर वहां पे ऑप्शन नहीं थे, कि वहां जो जो लिमिटेड रेस्टोरेंट्स वगैरह थे, तो वहां पे हमको वो जो खाना बेसिक हम जरूरी सोच रहे थे वो नहीं मिल रहा था। तो ये चीज आप भी ध्यान रखिए, और जो दर्शक है जो भी क्रिकेट में करियर बनाना चाहते हैं, ये भी ध्यान रखिए कि ये सारी चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। सबसे पहले जब आप कुछ डिसीजन लेते कहीं जाने का, तो सबसे पहले एक ही क्वेश्चन दिमाग में आने को ना, और उसका आंसर हाँ या ना में ही रहने को ना, बीच में नहीं रहने को ना, क्या इससे मेरे को क्रिकेट में फायदा होगा, क्या पहला क्वेश्चन ये रहने को ना। जैसे आप यहाँ पे एकेडमी में आए, तो पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में ये रहने को ना कि क्या मेरा यहाँ आने से क्रिकेट में फायदा होगा क्या। अगर आंसर हाँ है तो जो आजू बाजू की चीजें जो तकलीफें हैं वो वो सह लीजिए, सही लीजिए। वो सह लीजिए, कोई बात नहीं, क्रिकेट में फायदा हो रहा ना, आजू बाजू की तकलीफ है उसका एडजस्ट करने का तरीका आप ढूंढे, सॉल्यूशंस ढूंढे, पर सह लीजिए, क्योंकि आपका क्रिकेट में फायदा हो रहा है। लंबे समय तक आपको जो क्रिकेट में फायदा देगा, लंबे समय तक जो काम आएगा वो ये चीज रहेंगी। तो कोई भी डिसीजन लेते वक्त ये तरीके से सोचिए, नहीं तो टेम्पररी अपन कंफर्ट जोन में इतना जाते हैं। तो मैं पर्सनली हमेशा से डिसीजन ऐसे ले गया, क्या मेरा क्रिकेट में फायदा होगा, क्या होगा तो तकलीफ सह लूंगा यार, मैं सह लूंगा। मेरे पप्पा से मेरा झगड़ा था, मेरा फैमिली जो मैटर था वगैरह, क्रिकेट रिगार्डिंग बहुत सारी चीजें तकलीफ थी, कई मैं एक समय पे मेस के पैसे नहीं थे, पर मेरा क्रिकेट में फायदा होगा क्या, वर्थ इट है क्या, तो मैं सह लूंगा, ये तरीके से सोचता था मैं। वही माइंडसेट रखिए और देखिए आपको बहुत फायदा होगा, और आपको भी बहुत फायदा होगा। थैंक यू हमसे जुड़ने के लिए, और गाइस आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, इससे कुछ सीखने मिला होगा, अगर सीखने मिला है तो अपने मित्रों के साथ, अपने दोस्तों के साथ जरूर ये वीडियो को शेयर कीजिए, उनको भी कुछ सीखने मिलेगा, और प्यार देते रहिए गाइस। कोई भी क्यूरीज रही कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं डेफिनेटली आप पे रिप्लाई करूंगा। फिलहाल के लिए इतना ही गाइस, टिल द नेक्स्ट टाइम, लव यू ऑल।